हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये HCL का लैपटॉप है जिसमें हमें कीबोर्ड चेंज करना है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसका कीबोर्ड आप अपने घर पर भी चेंज कर सकते हैं। आपको टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अगर टेक्नीशियन भी हैं तो इजी वे में चेंज कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल लगता है ये, बस लॉक्स खोल के कीबोर्ड लग जाता है। तो इसके लिए हमें कोई स्क्रू ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो कीबोर्ड है इसमें बहुत सारी कीज़ काम नहीं कर रही है। देखिए, 2 नहीं काम कर रहा है, ये 3 नहीं काम कर रहा है, बहुत सारी की नहीं काम कर रही हैं इसमें। ये इधर B नहीं काम कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी की हैं जो काम नहीं कर रही हैं, तो इसलिए रिप्लेस होने के लिए आया है। तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं चेंज कर पाते हैं। तो इससे ये होगा कि आप कहीं भी अपने घर पर भी इजीली चेंज कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इसी की तरह बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं और हमारे चैनल पर मिल भी जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए, HCL का ME मॉडल करके आता है। इसका पूरा ये मॉडल नंबर है HCL ME आइकॉन L1044। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लॉक्स हैं, उन्हें हम अनलॉक करना है और ये चेंज हो जाएगा कीबोर्ड। तो अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको चेंज करना है। ये देखिए, आपको एक कीबोर्ड निकालने के लिए आपको या तो कोई ओपनर हो आपके पास, नहीं तो ट्वीज़र हो, आप इससे निकाल सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लॉक होते हैं, ये देखिए यहाँ पर लॉक है, अगर आपको दिख पा रहा होगा, एक लॉक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये आपको लॉक दिख जाएंगे और एक साइड साइड में है, यहाँ इस साइड और एक इस साइड है। तो इसे अनलॉक करना है, इसे थोड़ा सा ट्वीज़र या ओपनर हो तो पीछे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे, ये देखिए, और हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये कई बार इसका खुल चुका है तो ये काफ़ी लूज़ है, इसलिए इजीली खुल जा रहा है, नहीं तो ये खुलता नहीं है। तो ऐसे साइड से भी अनलॉक करके आप इसको निकाल लें, फिर यहाँ देखिए इसको पलट लें और ये आपका कनेक्टर दिख जाएगा। यहाँ से लॉक है, इसको ऊपर की तरफ उठाएं और ये आपका केबल निकल जाएगा कीबोर्ड का। ये देखिए, आपका कीबोर्ड फॉल्टी है जो हमें चेंज निकाल के दूसरा लगाना है। अब इसमें आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा कट, यहाँ पर लॉक है। ये सारे लॉक होते हैं और लगाने के लिए इनको कुछ नहीं करना होता है, बस कीबोर्ड लगा के प्रेस करना होता है। तो ये काफ़ी सारे लॉक इसमें से ख़राब हो गए हैं, कुछ सही भी हैं, तो इसलिए इजीली खुल जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बार कीबोर्ड चेंज हो गया होगा। काफ़ी पुराना मॉडल है, सेलरॉन का आता है। तो ये देखिए, नया कीबोर्ड है जो ये हम लगाएंगे इसमें, ये नया कीबोर्ड है। तो इसे हमें इसमें फ़िट करना है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फ़िट कैसे करेंगे। तो अब इसी तरह ये नया कीबोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले केबल इसकी लगाएंगे। तो कीबोर्ड ऐसा उल्टा करके रख लें और एक केबल एक कनेक्टर में लगा दें प्रॉपरली, आराम से, ये ज़्यादा इधर साइड वाइड में करके गलत करके ना इसको लॉक कर दें, क्योंकि इसका बहुत पतला होता है, कार्बन ट्रैक होता है, तो ख़राब हो जाता है। देखिए, ये परफेक्ट लग गया है और उसके बाद ये लॉक कर दें ऊपर से। तो ये लॉक हो गया, फिर इसको घुमा लें। अब ये आगे देखिए, आगे की तरफ ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होल कट होंगे, होल्स होंगे कि ये वाला उसमें लग जाएगा, ये जो ये निकला हुआ है कीबोर्ड में, ये लॉक टाइप का, ये अंदर चला जाएगा ऐसे, देखिए ये देखिए, ये ऐसे अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको आराम से जहाँ जहाँ लॉक है वहाँ थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ये अपने आप लॉक होता चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए लॉक हो गया,
ये लग गया कीबोर्ड। एक बार चलिए ऑन करके चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये हमने ऑन कर दिया है, तो अब ऑन करके एक बार सारी कीज चेक कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कंपैटिबल होते हैं जो कीबोर्ड होते हैं, तो वो भी ख़राब हो सकते हैं मे बी। वैसे वारंटी के साथ आता है कीबोर्ड, आप कहीं से भी परचेज करेंगे, और हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं बहुत कीबोर्ड और बहुत सारी एसेसरी मदरबोर्ड वगैरह। तो मैं नंबर दे दूंगा आपको, अगर परचेज़ करना हो तो आप परचेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक बार चेक कर लेते हैं इसका पासवर्ड डाल के। ये डल गया पासवर्ड, तो ये वैसे काम कर रहा है प्रॉपर, ये देखिए। तो आप इसको अगर सारी की जल्दी में आपको चेक करना है तो आप गूगल पर भी कीबोर्ड टेस्टर के नाम से आता है, तो वहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड को। तो उसमें बस प्रेस करते जाएंगे, वो आता जाएगा कि कौन सी कीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं काम कर रही है। नहीं तो आप यहाँ वर्ड पर भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए सारी कीज़ काम कर रही हैं। तो यही वीडियो में यही बताना था कि कैसे कीबोर्ड आप लगाएंगे इजीली घर पर, कहीं भी आप इजीली लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको पूरा सेटअप ही चाहिए इस मॉडल के लिए। वैसे और बहुत सारे जो HP वगैरह के नए में आ रहे हैं वो इनबिल्ट होते हैं, तो उनके लिए तो सेटअप चाहिए। बस ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिनके लिए आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप ये बस एक ट्वीज़र हो या कुछ एलाइनर वगैरह हो, उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऐसी बनाते रहते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।